फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मीठी पपड़ी, जो कि दिवाली पर अक्सर बनाई जाती है। तो उसके लिए मैं उसको सूजी और आटे के साथ बनाऊंगी, और उसको मीठा करने के लिए उसमें शक्कर और गुड़ दोनों ही यूज़ करूंगी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक कटोरी सूजी। सूजी बारीक या फिर मोटी कैसे भी ले सकते हो आप। अब इसी सूजी में हम ऐड करेंगे एक कटोरी आटा। ये एक कटोरी आटा है और ये गेहूं का आटा है, लेकिन मुझे थोड़ी ज़्यादा बनानी है तो मैं एक कटोरी से थोड़ा ज़्यादा ऐड करूँगी। तो अपन ने एक कटोरी सूजी लिए और दो कटोरी आटा। तो यहाँ पर जो मैंने ये शक्कर और गुड़ का जो पानी लिया था, इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो ये थोड़ा वेस्ट भी हो सकता है। तो ये डो बनके तैयार हो गया है। अब मैं इस डो की छोटी छोटी सी लोइयां लेके इसकी पूरियां बना लूँगी, लेकिन पूरियां बनाने के लिए मैं थोड़ा सा आटा का यूज़ करूँगी, ताकि वो चिपके ना चकले पर बनाते समय। तो पहले मैं सारी पूड़ियाँ बना के रख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, मैंने सारी पूड़ियाँ बेल ली है छोटी छोटी लोई बना के। इस तरह से हम पूड़ियाँ बेलेंगे, और इनकी मोटाई मैंने इतनी रखी है, ज़्यादा मोटी नहीं है, जैसे अपन नॉर्मल पूड़ी बनाते हैं उससे थोड़ी सी हल्की सी मोटी है। और थोड़ा सा लोया बचा बड़ा वाला, तो उस लोई से मैंने इस शेप के बना लिए शक्कर पारे। तो अब हम कढ़ाई में तेल लेंगे, और कढ़ाई में तेल लेके इन सब चीज़ों को फ्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये पूड़ियाँ बनाई थी, हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। तो गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम रखा है, ताकि आराम से ये सारी फ्राई हो सके और क्रिस्पी क्रिस्पी बने। हम इसको पलट भी देंगे बीच बीच में, ताकि दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। जितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी उतना ही खाने में मज़ा आएगा। अब इनका कलर भी चेंज होने लगा है, देखो। अब इसको बाहर निकाल लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे वरना ये जल जाएगी। इसी तरह जितनी भी पूरियाँ हैं सारी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। देखिए, ये पूरियाँ हमारी फ्राई होके तैयार हो चुकी है, और देखिए कितनी क्रिस्पी बन गई, करारी करारी। ये आपको आवाज़ से पता लग रहा होगा, तो आप भी बना के देखिए एक बार, ट्राई करके। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।